500 रुपए के पुराने नोट बंद होने के चलते एक दिन की छुट्टी के बाद गुरुवार से बैंक खुल गए। सुबह से ही बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। कोलकाता, मुंबई, पटना, बेंगलुरु और दिल्ली ही नहीं, देश के सभी शहरों और कस्बों के बैंकों के बाहर लोग जुटे। कई बैंकों में नए नोट नहीं पहुंचे, कई सर्वर बंद पड़ गए तो कई बैंकों में लोगों को 100, 50 और 100 के नोट दिए गए। 500 रुपए के नोट बंद करने के बाद केंद्र सरकार ने 500 और 2000 रुपए के नए नोट बैंकों में पहुंचा दिए हैं। इसके बाद अब सरकार 1000 रुपए के भी नए नोट को जल्द जारी करेगी। इतना ही नहीं, सरकार बाजार में मौजूद 10, 20, 50 और 100 के नोटों को भी नए रंगों, डिजाइन और आकार में लॉन्च करेगी और जल्द ही इनके पुराने नोट भी बदले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां वे जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेंगे। मोदी की अपनी यात्रा के दौरान असैन्य परमाणु सहयोग और एक अंतर सरकारी समझौता और 12 लड़ाकू विमानों को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। सतलज यमुना लिंक नहर से जल बंटवारे के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि SYL पर निर्माण कार्य जारी रहेगा। फैसले के विरोध में कांग्रेस सांसद अरमिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के सभी कांग्रेस विधायकों ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। वेस्टर्न रेलवे ने गुरुवार और शुक्रवार को AC फर्स्ट और सेकंड क्लास के वेटिंग टिकट जारी नहीं करने का फैसला किया है। इससे 13 नवंबर और उसके बाद के सफर पर असर पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोग 500,000 रुपए के पुराने नोट बंद होने के बाद काले धन को सफेद न कर सकें। यूपी में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस समेत कई पार्टियों से गठबंधन की सुगबुकाहट की खबर आ रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने ऐलान किया है कि यूपी में साइकिल अकेली दौड़ेगी और किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। 500,000 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद जनता की सुविधा के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। निजी बैंक ICICI ने अपने ग्राहकों से 31 दिसंबर 2016 तक डिपॉजिट और ATM ट्रांजैक्शन से जुड़ी फीस नहीं लेने का फैसला किया है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गई है, लेकिन सरकार को केवल अपनी राजनीति और वोटों की चिंता है, उन लोगों को नहीं जो वोट देते हैं। देश के शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में गुरुवार को मजबूती का रुख देखने को मिला और कारोबार का अंत भी ग्रीन जोन में हुआ। निफ्टी 94 अंकों की तेजी के साथ 8526 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 265 अंकों की तेजी के साथ 27517 के स्तर पर बंद हुआ है।